गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ सुबह के 10 बजे। यहाँ पे ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों नानी जी के पुराने घर से, और आप देख सकते हो ये पटाली का घर है दोस्तों। और पुराने ज़माने के घर होते थे दोस्तों इस तरह के। और यहाँ पे मामी जी का भैंस है, और बाकी यहाँ पे जो है नीचे मामी जी ने जो है आलू की बुआई की हुई है, ये आप देख सकते हो। और बाकी दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं घास के लिए, सूखी हुई घास के लिए। और सो गाइस, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे कुत्ते के साथ खेल रहा है दोस्तों, और एक कुत्ता काफी क्यूट है। हाय टॉमी, टॉमी चेरी, बाय। सो गाइस, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का नज़ारा दिखाई दे रहा है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह के कांटे तो आपने पहाड़ों में देखे होंगे। और ये यहाँ पे कॉमेडियन मैं किसका फैन हूँ? अक्षय कुमार का। तो क्या बोल सकता हूँ इसके लिए मैं? बोल। बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार। हाँ, और तो तभी तो मैं कर दूँ। अच्छा। सो गाइस, ये आप आसपास का नज़ारा देख सकते हो, और आपका मनोरंजन करने के लिए सनू भाई कॉमेडी करते हुए जा रहे हैं दोस्तों। तो आप इनकी कॉमेडी को एंजॉय कीजिएगा। और अभी सनूप चढ़ेगा पेड़ पे, ये आप देख सकते हो पेड़ पे चढ़ने की ट्रिक। आराम से चढ़ना। और ये आप देख सकते और ये देख सकते हो आप। और इस तरह का काम होता है दोस्तों पहाड़ों में। हो गया। और अभी हम लोग लेके जाएंगे इसको घर। दोस्तों ये फंस गया है यहाँ पे, और ये और ये देख रहे हो, तमाशा देख रहे। इस पे दे। ड्रामा कर रहा है, ड्रामा नहीं नहीं आराम से। आजा आराम से। अरे ओ भैया, रुक जा। दोस्तों ये पूनम दीदी है, और पूनम दीदी हाय। और ये आप देख सकते हो किस तरह से बांधा जाता है इन सूखी घासों को, इस तरह से बांध के इनको पेड़ों पे लटकाया जाता है दोस्तों। और कहना चाहते हैं, बोलना क्या है गाइस, प्लीज सपोर्ट कीजिए इस लड़की को, एंड लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, मेरा सपोर्ट फुल है। अच्छा, एंड अभी हम जानते हैं, ठीक है दीदी। आप देख सकते हो दीदी ने यहाँ पे गर्दे लगा दिए हैं, और हमारे लैंग्वेज में इसको गर्दा बोलते हैं दोस्तों। आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हो कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, हम लोग जो है खेत से आगे हैं काफी दूर, और ये मेरा गर्दा है, और मैं यहाँ पे मेरा भाई सनूप जा रहा है दोस्तों। और ये आप देख सकते हो कितने मेहनत का। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अरे अरे क्या हो गया भाई, आराम से। अरे भाई आराम से, वीडियो क्या बना रही है? अरे तो क्या नाचो मैं? गाइस ये मरी मेरे हाथों पे भी यार, दिमाग खराब मत कर दो यार। अरे ऐसे लग रहा है, सॉरी की बात है। होती भाई उसे पैर कहाँ से? दीदी ने बहुत भारी लगा रखा। और यहाँ से दीदी आ रही है, और दीदी काफी जोर जोर से हंस रही है दोस्तों, मतलब कि हंसना नहीं चाहिए। आज ही बदल लिया साला, नहीं तो आज ये भी नहीं मिलता जो मेरे पास है अभी गर्दा। हाँ तो भाई ये आप देख सकते हो, मतलब छोटे रास्ते होते हैं, काफी दुर्गम रास्ते होते हैं दोस्तों पहाड़ों में, और भाई गिर गया हमारा। बाकी हमें थोड़ा हंसी आई, उसके लिए हम लोग भाई से माफी मांगते हैं दोस्तों। और दीदी भी काफी जोर जोर से हंस रही थी, और इन्होंने जो है हमारे पास इतना भारी बोझ दिया है जिसकी वजह से भाई गिर गया दोस्तों। ये आप देख सकते हो पीछे, अभी सनू भाई का मूड थोड़ा ठीक हो गया है दोस्तों, और ये चेरी के साथ यहाँ पे खेल रहा है। और चेरी को भी होना चाहिए कि कैसे गिरा मैं, चेरी मैं ऐसे जा रहा था। अरे चल चेरी, आप जा। अभी हम लोग उठाते हैं गर्दे और लेके जाते हैं घर को। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं घर जाने के बाद, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। जय दोस्तों, हम लोग घास लेके भी आ गए हैं, और अभी जो है अंधेरा हो गया है, बाहर अंधेरा हो गया दोस्तों, ये आप देख सकते हो। और हम लोग जो है मामी जी के घर पे, और मामी जी बना रही है आज उत्तराखंड की फेमस रेसिपी, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे घेंचा, और बाकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है।
और ये लोहड़ी के दिन जो है हम लोग बनाते हैं दोस्तों। और मतलब उस टाइम पे मैं वीडियो बना नहीं पाई थी क्योंकि मैं कहीं पे गई हुई थी और मम्मी ने जो है घेंजा बना भी लिया था रेसिपी, तो यहाँ पे मामी जी बना रही है। तो आज जो है मैं घेंजे की रेसिपी आपको बताती दोस्तों कि इसको कैसे बनाया जाता है। अभी हम लोग मामी जी से पूछेंगे कि रेसिपी किस तरह से बनाई जाती है। तो मामी जी किस तरह से रेसिपी बनाई जाती है? अच्छा, अब अमन गंगड़ो। आटा किस चीज का है मामी जी? मक्के को। मक्के और चावल का? थोड़ा गेहूं डालो। अच्छा, मक्का और गेहूं का। अच्छा, बाकी जो है आप लोग जो है अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं और काफी हेल्दी होती है दोस्तों। और ये जो है स्टीम में पकाए जाते हैं। तो बाकी दोस्तों ये आप देख सकते हो पतीले में जो है अभी मामी जी ने ये घेंजे डाल दिए हैं और अभी ये स्टीम से पकेंगे दोस्तों। बाकी नीचे साइड ना मामी जी ने घास बिछा के रखी हुई है, थोड़ा सा पानी डाला हुआ है नीचे, और उसके बाद जो है ये स्टीम से पकेंगे और फिर हो गई हमारी रेसिपी तैयार। तो बाकी दोस्तों ये आप देख सकते हो घेंजे हो गए हैं तैयार और मामी जी ने काफी टेस्टी घेंजे बनाए दोस्तों। और ये आप देख सकते हो इस तरह के सेब के घेंजे बने हुए हैं और दीदी यहाँ पे घेंजे एंजॉय कर रही है दोस्तों। बाकी दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं पेंट कर देती हूँ, मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो दोस्तों तो मेरे चैनल पूजा उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्तों। तो बाकी अभी मैं मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। अभी के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड दोस्तों, बाय दोस्तों।